सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? कितने लोग पिछले संडे के वचन सुना है? हालेलुया। किसके बारे में मैं परमेश्वर के वचन सुना है? क्या सचमुच धरती में एक नमक के काम आपने किया है? मैं उम्मीद रखती हूँ सबको ये वचन परमेश्वर आपके जीवन में एक आशीष के कारण हुआ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ। परमेश्वर सभी को आशीष करे। आइए हम आज परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय उसका 24वां वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। इधर एक ये वचन शायद कई बार आपने सुना होगा। इधर परमेश्वर के वचन से ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं तो। हालेलुया। वो पहले क्या करना चाहिए? अपने आप को इनकार करके अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। हालेलुया। देखो कई बार आप प्रभु के पास इसलिए आते हैं, आपकी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आपकी परेशानी दूर होने के लिए, आपके जीवन में आशीष के लिए आप आते हो। इधर प्रभु यीशु कहता है, यदि आप मेरे पीछे आना चाहते हैं तो, प्रभु यीशु मसीह को आप अनुग्रहण करना चाहते हो तो आपके जीवन में कई प्रकार के क्रूस, दुख, मुसीबत आपके जीवन में आएगा, उसको उठाते हुए आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना होगा। हालेलुया। ये सुनकर आप डरे मत, अरे इधर भी कष्ट है, इधर भी दुख है, ऐसे आप सोचकर बिल्कुल घबराइए नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इधर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये बात कहते समय ये कहने की भावना ये था, यीशु मसीह जब क्रूस की मृत्यु की पहले अपने चेलों से कहने लगे, देखो वो दिन बहुत निकट है, मुझे बड़े महायाचक लोग मुझे पकड़ाया जाएगा और मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, मैं मुझे मार डालेंगे, मैं मरूंगा, मर जाऊंगा, मेरे को गाड़ा देंगे, दफनाएंगे, मैं तीसरे दिन जी उड़ूंगा, ऐसे बातें यीशु मसीह चेलों के साथ बताने लगे, यीशु मसीह अपने जीवन के कष्ट लोगों से बताने लगे। तब पत्रस यीशु से कह रहा है, प्रभु यीशु तुम्हारे साथ ऐसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस तू हमेशा खुश रहना है, तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आना नहीं चाहिए। तब यीशु मसीह उसको लेके जाके ढांड कर उसको शैतान से दूर हो जा, ऐसे बोल रहे। हालेलुया। पत्रस को बहुत वो बुरा लग गया होगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने उसको शैतान कहा, पर क्या यीशु ने उसको शैतान नहीं कहा, उसकी वो सोच को, उसकी भावना को यीशु ने उसको ढांडा, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन में कुछ क्रूस के अनुभव यीशु मसीह के जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह का मकसद ही, दुनिया में आने का मकसद ही अलग है। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस उठाने के कारण मैं और आप प्रभु में बच गया है, स्वर्ग की राह हमारे लिए खुल गया है। इसी तरह हमारे जीवन में कुछ क्रूस जीवन में आते समय वो हमारा हानि के लिए नहीं है। हालेलुया। ये हमेशा जीवन में याद रखना, आपके जीवन में कुछ कष्ट मुसीबत आपके जीवन में आते समय वो कभी आपको नाश करने के लिए नहीं है, आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि वो आपके स्वर्ग राज्य की ओर, कुछ लोगों को बचाने की ओर, आपको परिपक्व करने की ओर ये क्रूसें, ये परेशानियां आपको लेके जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम, आप बताओगे, सिस्टर आपको पता नहीं मेरे जीवन की क्या परेशानी है। मैं जानती हूँ सभी को एक जैसे क्रूस नहीं दिया गया है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर सभी को अलग अलग क्रूस दिया हुआ है। हालेलुया। हम आज वही परमेश्वर के वचन से देखेंगे, कुछ लोगों के जीवन में कर्ज की परेशानी, कुछ लोगों के जीवन में बच्चों की परेशानी, कुछ लोग बोलेंगे, सिस्टर ये बातें नहीं है, मेरा पति सही नहीं है, मेरी पत्नी सही नहीं है, मेरे बच्चे सही नहीं है, मेरे पास्टर सही नहीं है, मैं ऐसे गिर जाता हूँ, मैं टेंशन है, कई बार मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर भी मुझे छोड़ दिया। आपकी परेशानी अलग अलग तरीका से है। हालेलुया। इधर हम देखते हैं ऐसे परिस्थितियों पर कैसे लोग अपना क्रूस उठाकर चले गया। हालेलुया। हम अभी, मैं कोई भी वचन इधर ज़्यादा पढ़ने के टाइम नहीं है, मैं एक एक वचन बोलते जाऊंगी, आप इसको रोक के एक एक वचन आप पढ़िए। हालेलुया। पहला हम देखेंगे एक बहन के जीवन में कर्ज की परेशानी था।
हालेलुया, शायद ये मेरा वचन सुनने वाला आपके जीवन में, कई लोगों के जीवन में पैसा की कमियां, आर्थिक समस्या, कर्ज, इतने लाख रुपया की कर्ज की परेशानी होगा। इधर हम उसके लिए दूसरा राजा 4 अध्याय में आपके जैसे सेम परेशानी में एक बहन है, उसका पति की डेथ हो चुके हैं, उसको 2 बच्चे हैं। वो बोल रहे हैं मैं बहुत कर्जदार, मैं बहुत परेशान में हूँ। उसके 2 लड़कों को जिनको ये पैसा देना है, वो कह रहे हैं हम आके तुम्हारे लड़कों को ले जाएंगे, पर वो घबरी नहीं, वो घबराई नहीं। उसने क्या किया, परमेश्वर के पास आ गया, प्रभु के दास के पास आया। अभी देखो परमेश्वर के दास क्या किया, उसको एक गुट्टी पैसा नहीं दिया, बल्कि उसके पास जो सामान है उसके जरिए उसके हल को हल कर दिया। कहने की भावना, उस महन के जीवन में उसकी परेशानी क्या है, कर्ज है। शायद यही परेशानी में आप शायद तड़प रहे होंगे, पर आपके लिए आपका क्रूस ये हो सकता है, आपके जीवन की कर्ज ये आपके क्रूस हो सकता है। आप क्या करना, उसको क्रूस से बच, ये क्रूस मतलब ये कर्ज से बच निकलने के लिए आत्महत्या एक हल नहीं है, ये इधर से चले जाओ, घर से भाग जाओ, ये हल नहीं है। उसका सामना करना, एक क्रूस है, इसको उठा के आप आगे बढ़ना है। हालेलुया, कई बार आप बोलोगे सिस्टर ये कर्ज नहीं है, मेरे को और कोई परेशानी है, मेरे शरीर में कुछ बीमारियाँ हैं, यही मेरी परेशानी है। प्रभु यीशु आपके आपके कह रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके क्रूस से शायद आपके शरीर की बीमारी हो सकता है। प्रभु कहता है वो क्रूस को तुम्हें उठाकर चलना जरूरी है। हालेलुया, यशायाह नबी की किताब 38:38 में एक राजा को मौत की जगह पहुंचने वाला एक बीमार हो गया और वो टूट गया, पर उसने क्या किया, परमेश्वर क्या है दुहाई दे रहे, प्रभु मैं तुम्हारे सामने बहुत ईमानदार से चला व्यक्ति है, मैं एक भक्त हूँ, मैं पूरे एक विश्वासी हूँ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे अभी मेरा मौत की पास ये लेके जा रही है बीमारी, मौत की ओर ले जाने वाला बीमारी उसके जीवन में आया, रोग उसके जीवन में आया। क्या वो मर गया, क्या वो डिग पी, नहीं, वो प्रभु के चरणों पर प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर ने क्या किया, तुरंत उसके जीवन में कार्य भी किया। अरे आपके जीवन में ऐसे बीमार के कष्ट हैं, कई बार प्रभु बोलेगा कुछ दिन लगेगा, चुप रहे ना, अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलो। हालेलुया, शायद आपकी बीमार, आपका क्रूस कर्ज नहीं होगा, आपके क्रूस कोई बीमारी नहीं होगा। आप सोचोगे मुझे देखभाल करने के लिए कोई नहीं, मैं अनाथ हूँ, मैं एक अकेला हूँ, मैं परिवार में अकेला अपन महसूस करता है। आप भी एक क्रूस को उठाना, क्रूस मतलब जो प्रभु यीशु मसीह एक क्रूस है ना उठाकर चल पड़ा, वो नहीं है क्रूस। हमारे जीवन की क्रूस अलग अलग प्रकार की कष्ट मुसीबत, मैंने पहले बोला कर्ज होगा आपका क्रूस, कई बीमारी होगा। अभी देखो आप बोलोगे मैं अनाथ हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं बिल्कुल एक ही हूँ, मेरे परिवार में मैं कल्ले प्रभु को मानने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ ना, ये आपकी बहाना है। आप रह सकते हैं, प्रभु के लिए खड़ सकते हैं। एस्तर की किताब उसकी 2:7 में लिखा है, एस्तर की किताब ही प्रभु के वचन में आया है, क्योंकि उस लड़की को माँ बाप नहीं था, वो एक अनाथ लड़की थी, पर इतनी प्रभु को भय मानने वाली लड़की थी, सुंदर थी, कोई पाप में वो फंसी नहीं, प्रभु की इतनी भक्ति करने वाली लड़की थी। देखो वो भी अपना क्रूस उठाकर आगे बढ़ी, इसलिए उसका जीवन कितना आशीष के कारण हुआ। आप कहोगे मैं अकेला हूँ, मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं है, ये आपकी बहाना है। वो भी अनाथ लड़की थी, वो भी प्रभु को इतनी भक्ति करने वाली, उसके जीवन में भी कितना दुख मुसीबत आया, पर वो उसका रंग लाया। हालेलुया, आप इसलिए ये नहीं बोला मेरा कर्ज है मेरा क्रूस, हालेलुया मेरे मैं कर्ज में डूब चुका हूँ, ये एक क्रूस को उठा के आपको चलना होगा। हालेलुया, आपकी बीमारी है उसको उठा के चलना होगा, बाकी प्रभु अपने आप देखेगा। आप ये नहीं बोला मैं अकेला हूँ, मैं अनाथ हूँ, नहीं, अनाथ लोग भी प्रभु के पीछे चले हैं। हालेलुया, कभी आप बोलोगे ये मेरा नहीं है, आपको पता नहीं है मेरा पति पता कितना दुष्ट है, कितना दारू पीता है, मेरे को मारता है, कूटता है, ठीक है, आपकी शायद दुख के कारण आपके पति हो सकता है, पर प्रभु के वचन में हम देखते हैं
पहला शामिल 25वां अध्याय उसका तीसरा वचन में एक परिवार के बारे में लिखा है। हालेलुया। आप सोचे कि सिस्टर आपको क्या पता मेरे क्रू से क्या है, वह पता मेरा पति कितना गंदा है, आप बोलोगे। लेकिन इधर एक बहन के बारे में लिखा है, दूसरा शमूएल पहला शमूएल 25 अध्याय उसका तीसरा वचन में लिखा है, एक बहन बहुत सुंदर है, बुद्धिमती है, प्रभु को भय मानने वाली है, पर उसके पति इतना कठोर बंदा और इतना दुष्कर्मी था। क्या उसने अपना पति को छोड़कर चले गया? क्या उसने अपने पत्नी को छोड़कर चले गई? नहीं। क्या उसने आत्महत्या किया? क्या उसने तलाक ले ली? नहीं। वो वहीं पर अपना क्रूस ढाते हुए वो चलती रही चलती रही चलती रही। परमेश्वर उचित समय पर उसकी सजा उसको दे दिया। हालेलुया। आप यह यही बहाना नहीं बोलना कि मेरा पति सही नहीं है इसलिए मैं प्रभु के पीछे चलना मेरे को मुश्किल लग रहा है, ऐसे नहीं बोलना। क्योंकि इधर वचन में लिखा है तुम्हारा क्रूस शायद तुम्हें लगता है मेरा पति है, मेरे पति के जरिए मैं जो अनुभव कर रही हूँ कष्ट मुसीबत ये मेरा क्रूस है, उसको आपको उठाकर प्रभु यीशु के पीछे चलना है। कई बार आप बोलोगे सिस्टर आपको पता नहीं मेरा पति नहीं है परेशानी, कई बार आप बोलोगे मेरा पत्नी मेरे साथ नहीं चलती इसलिए मैं प्रभु को प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ आराधना नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी एक बहाना नहीं है। वचन में लिखा है दूसरा शमूएल 6वां अध्याय उसका 20वां वचन में, दूसरा शमूएल 6वां अध्याय उसका 20वां वचन में लिखा है, जब दाऊद परमेश्वर को स्तुति महिमा आराधना करते समय उसकी पत्नी दाऊद को कितना ठट्ठा कर मजाक उड़ा रही है, तू बड़ा राजा है ऐसे नृत्य करना है ऐसे प्रभु को आराधना करना है। हालेलुया। देखो क्या राजा दाऊद अपने पत्नी को खुश करने के लिए प्रभु को आराधना करना छोड़ दिया, प्रभु को पीछे करना छोड़ दिया? मैं आगे से मेरे पत्नी को ना मैं प्रभु को आराधना करना धन्यवाद करना मेरे पत्नी को पसंद नहीं है इसलिए मैं आगे से चर्च नहीं जाऊंगा, इसलिए आगे से मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, वचन नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रभु को ताली बजाकर आराधना नहीं करूंगा, ऐसा दाऊद ने कहा? नहीं। वो बोला अरे तुम्हें पसंद नहीं है तो पसंद नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर भी प्रभु को धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया हालेलुया। शायद आपकी पत्नी हो सकता है, शायद आपकी पति हो सकता है, हालेलुया, पर ये क्रूस को ये परेशानी को आपको सहते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना होगा। ये परमेश्वर का एक हुक्म है, एक नियम है। कई बार आप बोलोगे सिस्टर आपको पता नहीं आपके बच्चे अच्छे हैं, आपको क्या पता मेरे बच्चे कितने खराब हैं। हालेलुया। इधर एक प्रभु की दास है। हालेलुया। पहला शमूएल 2वां अध्याय 23वां वचन में एक प्रभु की दास के बारे में लिखा है। हालेलुया। उसके बच्चे के बारे में जो भी वचन में बता रही हूँ जरूर आप या बाद में इसको एक एक करके खोल खोल कर आप पढ़ना। हालेलुया। उधर एक प्रभु की दास है, इतना प्रभु को आराधना करने वाला परिवार है पर उनके बच्चे बिल्कुल कठोर बच्चे हैं, बिल्कुल कहना नहीं मानते। वो प्रभु की दास जो पास्टर अपने बच्चों को बोल रहा है पुत्र तुम लोग क्यों ऐसे करते हो, क्यों प्रभु के नाम की बेइज्जती करते हो, क्यों ऐसे आराधना पे तुम बैठते क्यों नहीं, वो पापा को बहुत दुख है अपने बच्चे के प्रति। एक प्रभु के दास के बच्चे देखो कितना गंदगी में फंसे हुए हैं। हालेलुया। क्या अपने बच्चों के कारण बाप ने प्रभु को सेवा करना छोड़ दिया? क्या बच्चों की गंदगी में बाप भी मिलजुला? नहीं। उसने सोचा रहे मैं बच्चों को तो बताया समझे नहीं, अब मैं क्या करूं, बच्चे तुम्हारा तो बड़े हैं जितना मैं समझा सकूं समझाया। हालेलुया। पर बचपन से वो बच्चों को सिखाना चाहिए था, वो डर उनका अंदर आना चाहिए था, पर अभी हम क्या कर सकते हैं, बच्चे बड़ा हो गए अभी बाप की बातों को तुच्छ समझने लगे। क्या प्रभु को सेवा करना बाप ने छोड़ दिया बच्चों के कारण? मेरे बच्चे बहुत मेरे प्रभु की बेइज्जती करते हैं बदनामी करते हैं मेरा नाम को बहुत गंदा करते हैं इसलिए आगे से मैं सेवा नहीं करूंगा, ऐसे छोड़कर प्रभु के दास चले गया? नहीं। वो अपने जीवन के उस क्रूस को उठाकर उस परेशानी को उठाकर चलता रहा। कई बार आपके जीवन की परेशानी आपके बच्चे हो सकता है,
आप बहुत प्रार्थना करने वाले होंगे, आप परमेश्वर को प्रभु तो आराधना करने वाले होंगे, पर आपके बच्चे उसके बिल्कुल उल्टा होगा। इसका मतलब चाहिए आपको बच्चों को बचपन से प्रभु में बढ़ाना, पालन पोषण करना। बड़ा होने के बाद वो समझेंगे नहीं, हालेलुया। पर आपके बच्चे बड़ा हो गया, आपको निंदा कर रहा है, आपको मजाक उड़ा रहा है, आपको मार रहे, आप दुखी है, बच्चों के कारण आप बहुत परेशान है, इसका मतलब ये नहीं है प्रभु को छोड़कर आप चले जाओ ना। ये कष्ट को उठाते हुए, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु के पीछे चलना है, यही है प्रभु के हुक्म। हालेलुया। आप बोलोगे सिस्टर ऐसे कोई, इतने आपने बताया का, मेरे को कोई कर्ज नहीं है, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत प्यार करता है, मेरा पत्नी बहुत मुझे प्यार करता है, मुझे बहुत संभालती है, हालेलुया। मेरे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरे हर एक बात को मानता है, मेरे को मेरा अच्छा परिवार है, मैं अनाथ नहीं हूँ, पर मैं जिस चर्च में जाती हूँ मेरा पास्टर सही नहीं है। हालेलुया। क्या परेशानी है अभी इधर? मेरा पास्टर सही नहीं है। जिस चर्च में मैं जा रही हूँ उधर मेरे को सही ढंग से मेरे को वो मेरे को संभालते नहीं है, क्या इस कारण प्रभु को छोड़ना है आपको? चर्च शायद हम बदल सकेंगे, कलीसिया बदलेंगे, पर प्रभु को नहीं छोड़ना। हालेलुया। आपके इस क्रूस को उठाते हुए आप प्रभु के पीछे चलना, क्योंकि वचन में लिखा है पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसका 14 वचन में एक बहन के बारे में लिखा है। हालेलुया। उसको शादी होकर काफ़ी साल से बच्चे नहीं हैं, सब लोग उसको निंदा कर रहे हैं, दुख उड़ा रहे हैं, दुख दे रहे हैं। वो क्या कर रही है? प्रभु के भवन पर आकर रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। उसको देखकर उसके पास्टर पता क्या बोला? ये नशा करी चुकी है, ये नशा करके बैठी है। अगर आपको ऐसे पास्टर बोलेगा तो आप शायद प्रभु को ही छोड़कर चले जाएंगे। हालेलुया। शायद पास्टर से गुस्सा करेंगे, शायद वो चर्च जाना छोड़ देंगे, फिर आप घर पे बैठेंगे, मैं आगे से चर्च जो कुछ नहीं जाना, सब ऐसे के लोग ने, आप गुस्सा करोगे, क्या ये बहन ने ऐसे किया? नहीं, चाहे पास्टर कुछ मर्जी समझे, पास्टर मेरे दुख को ना समझे, मेरे प्रभु मेरे दुख को समझते हैं ना। उस बहन फिर भी वो हर साल प्रभु के भवन पर जो जाने के बाहरी आता वो जाती रही, प्रभु को धन्यवाद करते रहे। आपके पास्टर के कारण आप प्रभु को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि पिछले हफ्ते यही बातों पर मैं बहुत दुख थी। एक जगह पर मैं गई, एक औरत काफ़ी बीमार थी, उनको लेकर अपना बरनाला अपने इधर के मैं बता रही हूँ, मैं बड़ी दुख से बता रही हूँ। एक पास्टर की वो जो चर्च में कभी कभी जाते हैं वो पास्टर के पास वो लेके गई, उन्होंने गेट तक भी खोल कर नहीं दिया। उस बहन को प्रार्थना करने के लिए ना वो पास्टर बाहर नहीं आया, ना गेट तक भी खोल कर नहीं दिया, क्यों? कोरोना से डर रहे हैं। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना भी नहीं किया। दूसरे दिन उस बहन की डेथ हो गई। हालेलुया, हालेलुया। कितने दुख की बात है। क्या अभी मैं उस परिवार को जाकर ये कहा, अरे इंसान कुछ मर्जी करे पर प्रभु को आप नहीं छोड़ना। हालेलुया। आजकल ऐसे हालत में मेरे प्रिय भाई बहनों हम रह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये कोरोना के कारण लोग प्रार्थना करना भी छोड़ रखे हैं, हमें कोरोना बीमारी आ जाएगा, शायद किस तरह भी हो, परमेश्वर के लोगों के कारण, प्रभु के दासों के कारण, विश्वासी आपके आपके साथ प्रार्थना में कर रहे हैं, विश्वासी शायद सही नहीं होगा, इसके कारण आप प्रभु को नहीं छोड़ना। आपका क्रूस यही होगा, आपको जहां पर सही शिक्षा मिल रहा है, सही अगुवाई मिल रहा है, उनका पीछे आप चलते जाइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को नहीं छोड़ना कहने की भावना, उस बहाना से मैं आगे से चर्च नहीं, ये परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। शायद आप बोलोगे ऐसे कोई भी नहीं है मेरे परेशानी। हालेलुया। मेरे को अच्छा परिवार है, सब कुछ है, पर जगह पर जो मेरे इलाका ना, इलाका सही नहीं है,
मैं प्रार्थना पे जाते समय इलाका के लोग बोलते हैं, अच्छा तुमने धर्म बदल दिया, फिलाना हो गया, ये हो तो बहुत धर्मी है, तू ऐसे करती है वैसे करती है। शायद लोगों के कारण, इलाका में रहने वाले लोगों के कारण आप परेशानी है। क्या आपकी गली मोहल्ला के लोगों को देखकर, आपकी आपके पास वाले लोगों को देखकर प्रभु को छोड़ना उचित है? नहीं। हालेलुया। उत्पत्ति 6:6 वचन से आगे हम पढ़ते हैं, नू और उसके परिवार रहा ये दुष्टता से भरा, पाप से भरा दुनिया में था। नू ने क्या वो जगह छोड़कर चले गया या प्रभु को छोड़कर चले गया? नहीं, वहीं पर रहा नू ने। नू के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा वो इतनी खराब बंदा था, इतना निष्कलंक आत्मी था। हालेलुया। अपने इलाका के कारण कई लोग है ना चर्च में ऐसे आने के लिए डरते हैं कि मेरा पड़ोसी क्या बोलेंगे, प्रभु का नाम लेने के लिए डरते हैं। धीरे प्रार्थना करो जी, परेशानी तो बहुत है पर कहते हैं दुनिया से डरते हैं। हालेलुया। ये बहुत बड़ा गलत है। तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के पीछे तुम्हें जाना है तो तुम्हें अपना क्रूस को उठाना पड़ेगा। हालेलुया। कई बार आप बोलोगे ये परेशानी कुछ भी नहीं है, मेरे को शादी होकर इतना साल हो गया बच्चे नहीं है, यही मेरा परेशानी है, मैं इसलिए चर्च 1 साल गया 2 साल गया मेरे को बच्चे नहीं मिला, इसलिए आगे से मैं चर्च नहीं जाऊंगा। हालेलुया। आगे से ये प्रभु को मैं नहीं मानूंगा, मेरे को उन्होंने आशीष नहीं दिया। अरे इधर आके देखो उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय में अब्राहम कह रहा है, 15:2 में अब्राहम कह रहा है, प्रभु तू इतने दयालु है, मेरे को बहुत आशीष करेंगे करके तूने वायदे किया पर मेरे को बच्चा नहीं है। अब्राहम कितने साल में बच्चा मिला? 100 साल में, 100 उम्र में उसका बच्चा हुआ। क्या प्रभु ने मुझे बच्चे नहीं दिया, मुझे आगे के वारिस नहीं दिया, मेरे को बेटा नहीं दिया, ये सोचकर प्रभु को छोड़ दिया उसने? नहीं, वो कह रहे चलो परमेश्वर की मर्जी है पर फिर भी मैं मेरे प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। उसने वो क्रूस उठाते हुए परमेश्वर के पीछे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमें लगता है परमेश्वर ही हमें छोड़ दिया। आप क्रूस ये हो सकता है पर सब कुछ ठीक है पर पता नहीं, कई बार लगता है सब कुछ, सब लोग मुझे छोड़ दिया, भगवान भी खुदा भी मुझे छोड़ दिया करके मुझे लग रहा है। ये हालत प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हुआ। आपको पता है भजन संहिता 22:1-2 पढ़ के देखो, यीशु पुकार रहा है, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर तू मुझे क्यों छोड़ दिया, ये मेरे कष्ट के समय तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या सचमुच प्रभु ने उसको छोड़ दिया था? नहीं, थोड़े टाइम के लिए छोड़ना पड़ा। हालेलुया। थोड़े टाइम के लिए परमेश्वर ने अपना मुंह मोड़ दिया ताकि हमें बचाने के लिए। कई बार हमें लगता है कि सब लोग छोड़ दे, परमेश्वर भी मुझे नहीं देख रहा है, प्रभु भी मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कुछ हमें सिखाने के लिए, कुछ हमें आगे बढ़ाने के लिए, कुछ अच्छा के लिए कई बार हमारा हालत आ जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने वचन क्या सुना है Matthew 16:24 में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। आज हमारा क्रूस कर्ज हो सकता है, आपकी पति हो सकता है, आपकी पत्नी की जिंदगी हो सकता है, आप परिवार के जीवन में समस्या हो सकता है, आप अकेलापन फील कर रहे होंगे, आपके जिंदगी में बहुत सारी समस्या है, कई बार बच्चों के कारण आप परेशान हो सकता है, आपको दारू पीने वाला पति के कारण आप परेशान हो सकता है, आपकी पत्नी की अच्छा जिंदगी कारण अच्छा बुरा जिंदगी कारण परेशान हो सकता है, आप जिस चर्च में जा रहे पास्टर के जरिए आप परेशान हो सकता है, आपके बच्चे नहीं है परेशानी, आपको अलग अलग प्रॉब्लम है लोगों को, पर क्या इस परेशानी में आप प्रभु को छोड़कर जाना है? नहीं, प्रभु को उस क्रूस उठाते हुए, उस परेशानियों को सहते हुए हम प्रभु के पीछे पीछे चलना है। मैंने कुछ दिन पहले कलिसिया में बताया एक बात है, आप सभी को पता है, एक कुछ लोग क्रूस उठाकर जा रहे थे, जाते जाते समय सब क्रूस उठाते समय बहुत भार है, जिंदगी की भार, परिवार की समस्या, बच्चों के बारे में सोच, जो बीमारी की परेशानी, ऐसे बोझ के कारण वो हमारा क्रूस है उस उठाते हुए लोग जा रहे हैं। एक बंदा ने क्या किया,
अरे ये तो मेरे को उठने से बहुत मुश्किल सा लग रहा है, मैं क्या करूँगा। उसने क्या किया, जो क्रूस हमें कैसे देता है ऐसे देता है। ये क्रूस का क्या किया उसने, हैं इधर के थोड़ा काट दिया, इधर के थोड़ा काट दिया, इधर के थोड़ा काट दिया, इधर के थोड़ा काट दिया। पहले क्रूस उठाकर ऐसे झुक झुक गया बंदा, हूँ थोड़ा सा सीधा हो गया, क्यों, क्रूस की भार थोड़ा कम हो गया। हालेलुया, हालेलुया, कितने लोगों मेरा बात समझ आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, ये क्रूस उठाते हुए क्या करे, उसको भार हो गया। अब उसने, मेरे से नहीं हो गया ये क्रूस उठाना, मेरे से नहीं हुआ, मेरे को जल्दी मेरे को आगे बढ़ना है। इसने क्या किया, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा काट दिया, क्रूस थोड़ा हल्का हो गया। वो क्या किया, हाँ थोड़ा सा इतना झुका बंदा हूँ, इतना हो गया क्योंकि क्रूस की भार कम हो गया। थोड़ा आगे आगे जाते से मुझको लगा थोड़ा सा और मैं और काट देता हूँ। उसने क्या किया, अपना क्रूस की साइडों को और काट दिया, इतना काट दिया, इतना काट दिया, इतना काट दिया, थोड़ा इधर भी काट दिया। आप क्रूस तो बिल्कुल इधर रख के तरफने का लायक बना, इसका क्रूस का भार बहुत हल्का हो गया। वो आसे पास लोगों को देखकर मजाक उड़ा रहा है, देखो ये कितना सिर झुक के आ रहा है, क्रूस इसका भारी है। अरे ऐसे करो मेरे जैसे क्रूस थोड़ा काट दो, हल्का कर दो। पर वो लोग बोला, ना ना भाई, अप्पा तो नहीं करांगे, अप्पा तो क्रूस उठा के चलेंगे। पर ये बंदा सोचा, मैं जितगी। हालेलुया, वो भी सभी के आगे दौड़ा क्योंकि उसका क्रूस की भार अभी कम हो गया। पर एक जगह पहुंच गया, बाकी सब लोग क्रूस उठाकर के मुक्की करके गिर गिर के गिर गिर के गिर गिर के आगे बढ़ रहे हैं। ये बंदा ने क्या किया, क्रूस को कट करके थोड़ा सा इतना हाथ में लेकर हाय माड़ा इधर माथे पर रख के जा रहा है। उधर एक जगह पहुंच गया, एक बहुत बड़ा खाई पहुंच गया। हालेलुया, इधर इधर एक बहुत बड़ा खाई। हालेलुया, अब ये बंदा पहुंचा कहाँ पर, इधर पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया, अब इधर पहुंच गया कुछ ये देखा, इधर पहुंच गया देखा, सब लोग जो जो क्रूस उठाकर वो आ रहे थे, वो क्रूस को ये खाई के बीच में ऐसे रखा। हालेलुया, बीच में वो क्रूस रख के सब लोग क्या कर रहा, तुर के एक खाई पार करके इस तरफ आया। इधर लिखा है स्वर्ग। हालेलुया, ये बंदा देख ही जा रहा है, लोग अपना क्रूस उठाकर पसीना चुट कर पतला होकर बहुत मुश्किल से आकर ये खाई के इधर अपना क्रूस रखा और क्रूस के ऊपर से तुर के इधर पार हो गया। अभी क्रूस का कट 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 करके इतना किया बंदा, अभी अपना क्रूस उधर रखने के लिए देखा वो पार नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसने क्या किया, रास्ता में क्रूस को काट, चारों तरफ काट के क्रूस को इतना छोटा कर रखा था। अभी इधर आके बंदा बुरी तरीका से फंस गया, वो ये खाई पार कर नहीं पाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका क्रूस है, आपका जीवन के कई प्रकार का कष्ट है, आपको ये स्वर्ग राज्य में पार करने के लिए मदद करता है। इसलिए क्रूस उठाते समय कहीं कभी बुड़बुड़ाना नहीं, कभी एकदम छुटकी में आगे बढ़ने के लिए कोशिश ना करो, तुम्हें एक क्रूस उठाना ही होगा। कई बार आपके जीवन की समस्या में प्रभु कहता है, मैं जल्दी तुम्हारा प्रार्थना सुनकर उत्तर दे दिया, मैं तुम्हारा प्रार्थना सुनकर तुम्हें उत्तर दे दिया। हमने देखा यशया नबी की किताब में, एक राजा को बीमार हो गया, वो बहुत प्रार्थना किया, तुरंत उसको जवाब मिला। इधर परमेश्वर प्रेरितों के काम, उसका प्रेरितों के काम उसका 1:4 में लिखा है, प्रभु यीशु कहता है, मैंने तुम्हें वायदा किया पवित्र आत्मा के लिए क्या करना चाहिए, तुम्हें उड़ीकना चाहिए। कई कामों के लिए थोड़ा सा वेट करने के लिए प्रभु कहेगा। आपके क्रूस कोई कुछ और भी हो सकता है, कोई भी हो, आपको ऑफिस की परेशानी हो, आपके जमाने की परेशानी हो, बहुत ज़्यादा कष्ट हो, कुछ भी हो, आप ये क्रूस को उठाना ही होगा, क्योंकि यही क्रूस है आपको ये खाई पार करने के लिए, मतलब ये दुनिया से जित के स्वर्ग राज्य जाने के लिए यही क्रूस आपको मदद करता है। इसको कट कुट के काम को आसान करने के लिए कोशिश मत कीजिए। हालेलुया, प्रभु कहता है, मैंने तुम्हारा प्रार्थना सुनकर तुम्हें जल्दी उत्तर देने वाला हूँ।
परमेश्वर कई बार तुरंत हमारा प्रार्थना विषयों के लिए उत्तर देगा। कई बार प्रभु कहता है पुत्र तुम थोड़ा सा वेट करो, कई बार परमेश्वर बोलता है ना इस विषय के लिए तुम आगे से मेरे लिए प्रार्थना नहीं करना। हालेलुया, हम एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 12 की 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 8वां और 9वां वचन हम पढ़ेंगे। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अब इधर देखो, पौलुस कहता है उसका जीवन में कुछ क्रूस के जैसे कुछ परेशानी था, इधर क्या है करके बता नहीं रहा। क्या पता उसके शरीर में कुछ परेशान हो सकता, कुछ बात हो सकता उसके परिवार में या कुछ सेवगाई में, कुछ तो कष्ट हो सकता है। प्रभु की दास कहता है मैं 3 बार प्रभु का ये प्रार्थना किया, मैं कितनी बार और प्रार्थना कर चुका हूँ, पर परमेश्वर ने कहा इसका हल नहीं है, बस मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, तुम्हें हिम्मत दूंगा, तुम्हें ये क्रूस उठाना ही होगा, ये तुमसे हटेगा नहीं, दूर नहीं होगा। अब ये सोचकर पौलुस प्रभु को छोड़कर चले गया? नहीं, वो अपना क्रूस उठाते हुए प्रभु के पीछे चल पड़ा। हालेलुया, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में आखिरी हम एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस समाचार, मरकुस समाचार उसका 8वां अध्याय उसका 36 से लेकर 38 तक हम उस पढ़ वचन में क्या लिखा है। हम इस दुनिया में ये क्रूस को उठाते जाते समय लोग शायद हमें मजाक उड़ाएंगे, अरे तुमने धर्म बदला, तुम्हारा पति ऐसा है, तुम इतनी प्रार्थना करने के बाद भी तुम्हारा पति क्यों सुधरता नहीं, तुम्हारा पत्नी क्यों नहीं सुधर रहा, तुम्हारा बच्चों क्यों नहीं सुधर रहा, तुम्हारा क्यों परिवार गरीब से क्यों बाहर नहीं आ रहा, तुम्हारा खर्च क्यों नहीं धो रहा। ये कई बार बहुत सवाल लोग हमसे पूछेंगे, पर मेरे प्रिय भाई बहनों, इन बातों पर आप बिल्कुल अपना मन को कच्चा नहीं करना। आप समझना प्रभु ने मेरे लिए रखा ये क्रूस को मुझे उठाना ही होगा। हालेलुया, क्योंकि वाणी विच लिखा है उसका 36 से 38 वचन पढ़े। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लज्जाएगा। इधर प्रभु के वचन में क्या पढ़े हैं, इस दुनिया में हम प्रभु के वचन के निमित्त हमारा जीवन में आ रहे क्रूस उठाने के लिए, हम अगर शर्मिंदा करेगा तो प्रभु भी क्या करेगा? जब न्याय के सिंहासन में हमारे बारे में कुछ बोलने के लिए प्रभु भी शर्मिंदा हो जाएगा। प्रभु कहता ये बंदा है ना, थोड़ा देर चर्च चले गया, फिर बाद में इसके जीवन में कुछ कष्ट आया, ये बोला मैं आगे से चर्च नहीं जाऊंगा, उधर जाने के कारण मेरे जीवन में कष्ट आया, मेरा पति मेरे को खिलाफ होने लगी, मेरा पत्नी मेरे को बुरा बोलने लगी, इसलिए मैं आगे से ही कम नहीं करूंगा, ऐसे मुझे बीच में छोड़ कर गया बंदा है करके यीशु भी हमें देख रहे ऐसे कहेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि कोई प्रभु को चाहे, प्रभु के पीछे चलना चाहे, आप अपना क्रूस को अपने आप इंकार करके कोई बात नहीं प्रभु जी, तूने मेरे को रखा है क्रूस को उड़ाने की हिम्मत बस तू मुझे दे देना। जैसे पौलुस को प्रभु कहता है मेरी अनुग्रह मेरी कृपा तेरे लिए बहुत है, बस प्रभु इस कष्ट के समय ये पार करने का शक्ति ताकत हमें दे, हम अपना क्रूस को छोटा करके जल्दी और कोई क्या 2 नंबर की काम करने के लिए नहीं, बल्कि हम सिद्ध राहों पर चलने के लिए प्रभु आप हमें मदद कर सहायता कर। आइए हम सब लोग अपना आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, सर्वशक्तिमान जिंदा जीव दयालु परमेश्वर, सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करते अप्पा, तेरे वाणी विच हमने देखा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करके अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलने के लिए, खुदावंदा इन दिनों पर इस अंतिम समय पर बहुत सारे कष्ट बीमारी मुसीबतों से भरा इस दुनिया में हम अपना क्रूस उठाते हुए तेरे पीछे चलने के लिए मत कर, क्योंकि आपका आगमन बहुत निकट है प्रभु जी, अंत तक विश्वास योग्य रहने के लिए आप हमें मदद करना सहायता करना, अपना सामर्थ्य भर दे प्रभु जी। धन्यवाद खुदावंदा,
जितने लोग आज ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर सभी को आशीष का वचन सुनाया, मुझे भी प्रभु तेरा हाथ तुम रहते हैं। अंत तक ये क्रूस उठाते हुए आगे बढ़ने के लिए मदद कर, अंत तक विश्वास युग रहने के लिए मदद कर खुदावंदा। यदि हम इस दुनिया में प्रभु के बारे में कहने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए हम शर्मिंदा करेगा तो प्रभु स्वर्ग राज्य में भी आप हमारे बारे में हमें देखकर भी आप शर्म करो करके वचन हम पढ़ सिखाते हैं। यीशु राजा अंत तक हम प्रभु के पीछे चलने वाले मदद बन सके, हम अपने क्रूस को छोटा करके दो नंबर के रास्ते से बड़ी चुटकी से काम करने के लिए नहीं बल्कि सीधा राह पर चलने वाला व्यक्ति बना दे। चाहे हमारा आज की क्रूस आपके बच्चों के जीवन में कोई भी हो सकता है, कर्ज, बीमारी, परिवार की समस्या, हालेलुया, बच्चों के बारे में हमें खुदावंदा कई प्रकार की परेशानियाँ हो सकता है, प्रभु उसको उठाते हुए आगे बढ़ने के लिए मदद कर। प्रभु जी धन्यवाद, तूने हमारे दुआ प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। बच्चों को सभी को आशीष कर, अनुग्रह सत्ता तेरे बच्चों के लिए अनुग्रह के आशीष के कारण बन जाए प्रभु जी, धन्यवाद। तूने हमारे दुआ प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। सारे आदर जलाल महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमारे साथ होते रहे, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, सबको जय मसीह की।